आपको जानकर दर्द होगा जब लोक समाज पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे। वहीं उन्होंने दे दिया चेतावनी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की धरती को। इनका कहीं ना कहीं एक कहना था, क्या कारण है कि ये लोग नहीं सुन पाते लोगों की बात, और उनका क्या कुछ विचार है हम स्वयं सुनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कुछ कहते हैं अपनी ही जुबानी, आइए हम सुने क्या कुछ कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का प्रदर्शन लोक समाज पार्टी की तरफ से ये महंगाई और निजीकरण के खिलाफ रखा गया है। महंगाई दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों के अंतर्गत दिल्ली में है, और निजीकरण जो है ये पूरा मामला भारत सरकार और दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों चाह रही हैं कि देश की संपत्ति बड़े बड़े लोगों के पास हो जाए, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो है निजीकरण ना हो। ये देश की जनता के द्वारा बनाया गया है, तो ये संपत्ति देश की जनता के पास रहना चाहिए। हम ये जनता को जगा रहे हैं, और जब जनता जाग जाएगी तो भारत सरकार या तो रोल बैक होगी, या फिर 2000 जो आने वाला 22 में यूपी विधानसभा है वहां से खत्म होगी, और 2024 में लोकसभा से भी खत्म होगी। नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में, केरला के चुनाव में, आसाम के चुनाव में लाखों लाखों की भीड़ की रैलियां किए हैं, और उस समय जब कोरोना काल चरम पे था, तो इस समय भी ये अपना धर्म आस्था का विषय है। इनको शांति पूर्वक अपने घाट जहां है, चाहे बंबई में रोके हैं या दिल्ली में रोक रहे हैं, ये नहीं रुकना चाहिए। हाँ, प्रतिबंध लगाना, ये रेगुलेट करने रह चाहिए कि सभी लोग अगर यहाँ पर मास्क पहन के आवे, दूरी बनाए रखें, और धर्म पर ये चोट नहीं करना चाहिए।